हेलो फ्रेंड्स, पीएस के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हो गई, मतलब कोई भी व्लॉग नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ वीडियोस जो थी ट्रिप्स वगैरह की वो मैंने डाली थी, आपको अच्छी ही लगी होंगी। और फिलहाल मैं कुछ दिनों से इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और इस वजह से मेडिसिंस वगैरह मैं ले रही थी। और अभी इस टाइम फेस पे कुछ एलर्जी हो रही थी तो सामने आके व्लॉग नहीं बना पा रही थी। एलर्जी अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, मेडिसिंस चल रही हैं। और आज मैं थोड़ा अपने लिए अच्छे से बेटर फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा मिला जाए, व्लॉग बनाया जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, कोई व्लॉग मैं नहीं डाल पाई। फ्रेंड्स, कल से मुझे बहुत सारा काम हो गया था, मतलब कपड़े वगैरह धोए थे और साफ सफाई जो डस्टिंग वगैरह करी थी। और आज मैंने कुछ कपड़े प्रेस करके रखे हैं, खासकर इनके बहुत सारे बहुत सारे। आप सोचेंगे कि मतलब पूरा एक तरीके से पैकिंग की तैयारियां हो रही हैं। आप सोचेंगे आप पैकिंग किस चीज़ की हो रही है, तो ये जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे, क्योंकि अभी तो ये यमुनोत्री होके आए थे। यमुनोत्री की वीडियोस आपने इनके चैनल पे एमएस व्लॉगर पे देखी होंगी, और नहीं देखी हो तो देख लेना जाके, बहुत अच्छी दर्शन होंगे माँ यमुनोत्री के आपको भी। और फिलहाल अब इनकी जो ट्रिप है, नेक्स्ट ट्रिप, वो होने वाली है कहाँ की बताओ बताओ? हिमाचल प्रदेश, और हम कवर करेंगे उसमें कुल्लू, मनाली, मणिकरण, कसोल, धर्मशाला और शिमला। तो करीब 6 से 7 दिन या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 या 8 दिन की ये ट्रिप रहेगी। और कल हम निकल जाएंगे, कल यानी 25 में। वीडियो पता नहीं कब पब्लिश होगी ये, लेकिन 25 तारीख को मैं निकल जाऊँगा इवनिंग में। तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी, पैकिंग वगैरह, क्योंकि काम तो हो ही जाता है काफ़ी सारा। पैकिंग में तो कोई जाता है तो हो ही जाता है, मतलब घूमने जा रहे हैं ये और काम मुझे करना पड़ रहा है। और फिलहाल चलो कोई बात नहीं, और ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा इस चीज़ में बहुत बैड लक हो रहा है, बार 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 मैं इनके साथ नहीं जा पा रही हूँ। इस टाइम भी मैं जाने वाली थी, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स है ना, वो पीछा नहीं छोड़ने के, मतलब कब से एग्ज़ाम्स का हो रहा है कि होंगे होंगे होंगे, वो अब जाके फाइनली डिसाइड हुए हैं अक्टूबर में, मतलब कि 6 अक्टूबर में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसी की मुझे तैयारी करनी है, थोड़े ही दिन रह गए हैं, उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो इस वजह से मैं मनाली नहीं जा पाऊँगी, ये मेरा बैड लक है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है कहीं घूमने जाया जाए, मतलब सभी का मन कर रहा होगा ना। किस किस का मन कर रहा है जल्दी से बता दो फटाफट से, क्योंकि घर में ना बोर ही हो गए हैं सच में। अच्छा ठीक है, एग्जाम जब तुम्हारे फिनिश हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट ट्रिप तुम्हारे साथ जरूर प्लान करूंगा। लॉन्ग ट्रिप नहीं, नज़दीक में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। वो भी आप उस वो वीडियो भी आप इस चैनल पर देख पाएंगे, मेरे चैनल पर तो डलेंगी ही और इस चैनल पर भी डलने वाली हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद ही वो ट्रिप आएगी, कहाँ जाएंगे ये थोड़ा सा अभी सस्पेंस बना के रखते हैं, लेकिन जाएंगे जरूर। सस्पेंस ये होनी चाहिए, लेकिन हाँ चलेंगे यार, काफ़ी टाइम हो गया है ना घर में। और फिर मैं अभी बीच में बीमार भी हो गई, थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया। मतलब कहते हैं ना यार, लड़कियों को वैसे भी अपने फेस से इतना प्यार होता है, और फेस से मेरी इतनी बुरी एलर्जी हुई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी सी कंट्रोल है, द मेडिसिंस चल रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इनकी सब पैकिंग वगैरह का काम तो मैंने कर दिया है, फाइनल पैकिंग जो है वो कल करूँगी। फ्रेंड्स, आज ये कुछ अच्छा सा परचेस करके लाए हैं, मतलब कह तो बहुत दिन से रहे थे कि मैं लेकर आऊँगा, मेरा बहुत मन कर रहा है, काफ़ी टाइम से डिसाइड भी बहुत टाइम बाद किया, और फिर फाइनली आज ले ही आए जो लाना था। क्या लेकर आए? ये कुछ हम दोनों के, जैसे अपने ब्लॉग स्टार्ट करे हैं मैंने भी, और इनके तो चल ही रहा है, तो उसके लिए कुछ कैमरा वगैरह लेकर आए हैं। GoPro, GoPro आ चुका है हमारे घर पे। वैसे तो ये इनका है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। वैसे तो ये इनका है, लेकिन ये मेरा भी, मैं तो, मेरे तो पता ही है कि मैं तो इस पर जरूरी काम करूंगी, मैं तो करना ही करना है, बीवी को तो हक होता है ना, और पता है हर चीज हाथ मारने का। कि एक एक्स्ट्रा बैटरी भी हमने ले लिया, क्योंकि दो बैटरी रहेंगी तो आसान हो जाता है कोई भी। इसका कैमरा चार्जिंग पे लगा दिया ना आपने? ठीक है, कैमरा भी चार्जिंग पे लगा हुआ है। ओके, और ये सब चीजें खरीदने के बाद हमें एक गिफ्ट भी मिला, जहाँ से मैंने ये परचेज किया वहाँ से हमें ये गिफ्ट मिला, और गिफ्ट में है हेडफोन्स। इसे सुन लगा के गाना सुना करेंगे, मूवीज वगैरह या जो भी है, ये सब चीजें लेकर आए हैं आज। और वैसे तो इनके है, ठीक है ना, हाँ देख रहे हो ना इनके ये सब चीजें, लेकिन देखना वीडियो मेरी भी आएंगी इसकी, अच्छी अच्छी वीडियो। इसकी स्टिक भी वही चार्जिंग के साथ लगाई हुई है। अच्छा, और ये आप हेड पे यूज कर सकते हो इसको, और इसके माउंट हैं अलग अलग जो आप हेलमेट वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं,
फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है ना चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। बहुत बढ़िया वाली वीडियोस आने वाली है नेक्स्ट ट्रिप, तो मैं इतना प्लान करूँगी ही करूँगी जब मतलब एग्जाम्स हो जाएंगे अक्टूबर में जब। तो फिलहाल तो ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मन तो खुश हो गया, मतलब आगे का काम तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आए आपका। मुझे, मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था एक्चुअली। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और ऑनलाइन ऑर्डर करने के 4 या 5 दिन हो गए थे शायद, उन्होंने वो डिस्पैच ही नहीं किया, तो फिर फाइनली मैंने ऑर्डर कैंसिल किया। वो ऐसा भी हो गया है ना कि लॉकडाउन जब से हुआ है ज्यादातर मतलब सब ऑनलाइन ही परचेज करते हैं ज्यादातर चीजें, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। कैंसिल करने के बाद आज मैं इसको परचेज करके लाया हूँ डायरेक्ट शॉप से, और ऑनलाइन की कंपैरिजन में सस्ता भी पड़ा है मुझे ये, और फायदा ये हुआ सब कुछ चेक करने के बाद मैंने इसको खरीदा है। ये फायदा होता है कि आप किसी शॉप से परचेज करते हैं बजाय ऑनलाइन के। ऑनलाइन में पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट्स कैसा है कैसा नहीं है, और आप जब किसी शॉप से परचेज करते हैं किसी सामान को तो आराम से उसे देख सकते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. स्किन केयर का टाइम हो चुका है और मैं अपने फेस पर कर रही हूँ हिमालय का नीम फेस पैक, नीम से भरपूर, जिससे कि मेरे स्किन पे जो भी एलर्जी हो रही है, जो भी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है ना ये, तो इससे मतलब फेस काफ़ी इससे रिलीफ मिलता है, जो दानों को काफ़ी, क्योंकि इसमें इचिंग होती है मेरे दानों में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसका यूज़ कभी कभी कर लेती हूँ। पूरे फेस पे फेस पैक लग चुका है, अच्छे से अप्लाई कर दिया है मैंने, और कुछ देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, तब तक मैं करूँगी अपना छोटा मोटा काम। ही 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 ही। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी ये चाय वगैरह पीती हमने अभी शाम को, और ये लेटे हुए थे, थोड़ा सा बेडशीट ख़राब हो गई है, मैं इसे थोड़ा सा संभाल दूँ क्योंकि मुझे बिगड़ी हुई बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसे तो मैं ठीक कर देती हूँ फटाफट से। ये बेडशीट वो वाली है जो मैंने आप वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे, जिसमें कि अमेज़ोन से मैंने एक बेडशीट ऑर्डर की थी और वो फ्रेंड्स लोग नहीं आ पाई थी मेरी बेडशीट, मतलब हमें कैंसिल ही करनी पड़ी बहुत वेट करने के बाद, और उसके बदले मैंने ये मार्केट से लेकर आई थी मैं ये। कैसी है आप ज़रूर बताइए मुझे, अच्छी लग रही है ना। और अब मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेती हूँ, जो बॉटल्स वगैरह खाली हो गई थी वो भर के रख दी हैं, बाकी छोटे मोटे बर्तन जो थे चाय वगैरह पीती थी उसके बर्तन हो गए थे ना, वो भी मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ। और शाम के करीब 6 या 6:30 बज रहे जा रहे हैं, और तो खाने पीने की तैयारी करूँगी, उससे पहले मैं ये फ्रिज साफ कर दूँ क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और पापा भी बोल कर गए थे कि फ्रिज साफ़ कर लेना, नेक्स्ट डे मैं लेके आऊँगा सब्ज़ी। तो फ्रिज बस मतलब जो हफ्ते में हमारे यहाँ एक बार सब्ज़ी आती है इकट्ठी एक हफ्ते के लिए, और मैं उस हफ्ते मतलब एक हफ्ते में एक बार ज़रूर फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ फ्रिज में वैसे भी सही रहता है, अभी बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनपते और हाइजीनिक तो होना ही चाहिए, तो इसे तो मैं क्लियर कर देती हूँ एकदम। क्लियर हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, और क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे कढ़ी चावल रोटी, और थोड़ी सी कढ़ी रह गई थी, शाम को दोबारा से फ्राई कर लूँगी और थोड़ी सी दाल बना लूँगी। हम बस 4 लोग ही हैं घर पे, मम्मी पापा मैं और ये, तो हम लोग 4 लोग के लिए बहुत है। थोड़ी सी मिक्सचर दाल बना रही हूँ आज मैं, ये चढ़ा देती हूँ कुकर में, बाकी उसके बाद मैं अपना और काम कर लूँगी। बीच
20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से मास्क को छुटा लूँगी एकदम बढ़िया से, और थोड़ी सी इचिंग ना ख़त्म हो जाती है इसे लगाने के बाद, तो अब थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। देख रहे होगा माथे पे कितने सारे दाने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आज ये शोभित कुछ सामान लेकर आए हैं कल की ट्रिप के लिए, ये थोड़े से डिस्पोजल्स हैं और स्नैक्स वगैरह लिए थे इन्होंने, और हाँ थोड़ा सा कैंपिंग का भी सामान लेके आए हैं। वहाँ पर मतलब बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, खुद से बनाएंगे खाएंगे, और ये सारे मसाले वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ करने की हैं वो सभी लेकर आए हैं। तो इस बार भी इनकी ट्रिप एकदम मस्त जाने वाली है, क्योंकि कैंपिंग में तो आपको पता ही है कितना मज़ा आता है। फ्रेंड्स फाइनली सारा काम हो चुका है, खाना पीना खिलाना सब कुछ हो गया है, और सब किचन का तो सारा काम हो ही चुका था, और बाकी इनकी वही पैकिंग की बात। तो पैकिंग छोटी मोटी जो थी मैंने दिखाया था, स्नैक्स वगैरह ये जो ख़रीदने का सामान था वो सारा ले आए हैं। कल फाइनली बस पैक करने को रह गया है, बैग में सारा सामान पैक करना है, और जो चीज़ें खाने के लिए लेके जाएंगे वो बनाऊंगी, और बाकी पैकिंग जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। इनको थोड़ा सा टाटा बाय बाय विदा कर देंगे, लेकिन हाँ एक बात तो है मुझे बहुत बुरा लगेगा, और इतना मतलब लंबा टाइम मैं अकेले बिताऊंगी थोड़ा सा लगेगा बोर रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किताबें हैं ना हमारी पढ़ाई, हम इनके साथ ही रह लेंगे है ना, हम इनके साथ ही दिमाग मारते रहेंगे, कोई बात नहीं। और फिलहाल तो अब का हो गया है टाइम, रात के 10 बज चुके हैं, सारा काम हो गया है ख़त्म, सब लोग सो रहे हैं, और अब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि रात का टाइम ना सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए, सब लोग सो जाते हैं आराम से, जब भी जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। और इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ चैनल है को मतलब नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।